संकीर्तन की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो माय साउंड इज नॉट क्लियर नाउ। हरे कृष्णा। ओके, ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुरोन्मीलितम येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं
वंदेहम श्री गुरुम श्री उत पदकमलम श्री गुरुम वैष्णवम च श्री रूपम सागरजातम सहगणान रघुनाथांवितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणान ललिता विशाखांवितम च नमं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वत देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद है जितने भी डिवोटी हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं आज भगवद गीता क्लास के श्रवण करने के लिए, हम बहुत आभारी हैं। आप किड्स के प्रोग्राम के थ्रू से ज्वाइन किए थे और आज फिर हम जो भगवद गीता का सेकंड सेशन में हम कनेक्ट हुए हैं। भगवद गीता के जो आज चर्चा है का विषय है वो है बैकग्राउंड ऑफ भगवद गीता और हमारे लाइफ में कितना रिलेटेड है ये टॉपिक। हाँ आएगा, ये तो मंदिर में हम कर रहे हैं तो बहुत सारा न्यूज ये आ सकता है, थोड़ा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। सो साउंड इज क्लियर ना? ओके ठीक। तो हम लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि भगवद गीता पढ़ने कितना ज़रूरी है, तो लास्ट क्लास में अराउंड 38 डिवोटी कनेक्ट हुए थे और हम यही बात कह रहे थे कि भगवद गीता के श्रवण करने के लिए बहुत लोग एक्चुअली आग्रह प्रकाश नहीं करेंगे और उसके बाद जितने भी आ रहे हैं उससे भी मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हम सेकंड सेशन में उसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि काफ़ी डिवोटी डिसकनेक्टेड हुए हैं। ये ऑब्वियस की बात है क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है तो ऐसा होता है। तो एनीवे, तो आज के जो टॉपिक का डिस्कशन है हम देखेंगे कि भगवद गीता का जो बैकग्राउंड है किस बेसिस पे एक्चुअली मतलब भगवद गीता बोलना पड़ा कृष्ण को अर्जुन के लिए, तो क्या ऐसे एनवायरनमेंट था, क्या सिचुएशन था इसीलिए भगवद गीता बोलना पड़ा। अराउंड 700 श्लोका कृष्ण ने बोले अर्जुन को कन्विंस करने के लिए, तो युद्ध करने के लिए। यद्यपि आप देखेंगे कि भगवद गीता युद्ध के क्षेत्र में बोला गया और अर्जुन ने समवट वो इच्छा प्रकाश नहीं कर रहे थे युद्ध करने के लिए। हम देखेंगे वेरियस रीजन, क्या ऐसे रीजन था जिसके लिए अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे और कृष्ण ने उनके लिए 700 श्लोक बोले कृष्ण को अर्जुन को कन्विंस करने के लिए कि युद्ध करने के लिए। और दूसरा एक चीज़ आप देखेंगे कि यद्यपि ये बैकग्राउंड ऐसा था कि युद्ध करने के लिए कृष्ण ने मोटिवेट कर रहे अर्जुन को, लेकिन बहुत कम संख्या के श्लोक होगा जो डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है युद्ध करने के लिए। और दूसरा जितने भी बहुत सारा श्लोक ऐसा है कि एक्चुअली ह्यूमन लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, डिफरेंट परिस्थिति में कैसे उनको फेस करना चाहिए, ये सब बताया गया है जो हमारे लिए, हम कोई भी सिचुएशन में है कोई भी परिस्थिति में है कि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन इधर मिलेगा। ऐसा नहीं ये जस्ट एक मोटिवेशन है टू फाइट, बट इन आवर लाइफ ऑल्सो इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ रिलेशन। तो देखिए कभी कभी ऐसे भी होता है, कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं कि ऐसे भगवद गीता जो महाभारत के युद्ध हुआ और बहुत सारे योद्धा ने उधर उनका मृत्यु हो गया, कुछ कुछ लोग ऐसे भी कंप्लेन करते हैं, तो ये युद्ध करने का क्या जरूरत था, ये भी तो एक अहिंसा है और कृष्ण ने ये अहिंसा कैसे अलाउ कर दी, तो ये तो नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट कृष्ण को नहीं करना चाहिए ऐसे। तो क्योंकि आप देखेंगे एक श्लोक बहुत प्राधान्य दिया जाता है इंडिया में, एक श्लोक है अहिंसा परम धर्म, तो अहिंसा को हमेशा फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखिए एक्चुअली श्लोक का आधा बात बताया जाता है आधा नहीं बताया जाता है। एक्चुअली श्लोक ऐसा है अहिंसा परम धर्म धर्मे हिंसा तथैव च,
अहिंसा परम धर्म, मतलब कोई भी परिस्थिति में हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर धर्म को रक्षा करने के लिए हिंसा करना पड़ रहा है तभी हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हिंसा करना पड़ रहा है धर्म को रक्षा करने के लिए तभी हमको हिंसा करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप अगर रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई अगर आए और आपको बदतमीज से बिहेव करने लगे, आपको छेड़खानी करने लगे, तो आप क्या बोलेंगे कि अहिंसा अहिंसा ही परम धर्म, इसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? तो ज़रूर आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि वो जो व्यक्ति जो बिहेव आपके साथ कर रहे हैं ये एक्चुअली अच्छा नहीं है, और अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, तो उनका क्या होता है, उन लोगों का जो ये ख़राब चीज़ करने का जो टेंडेंस है ना, ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं कि अहिंसा परम धर्म उसको ही मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अहिंसा परम धर्म मतलब हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अहिंसा में रहने के लिए, लेकिन उसका सेकंड जो पार्ट है ये है धर्म में हिंसा तथैव च, धर्म को रक्षा करने के लिए अगर कुछ हिंसा करना पड़ रहा है तभी हिंसा करना पड़ेगा। तो आप देखिए महाभारत युद्ध जो हुआ, एक्चुअली देखिए कृष्ण ने भी बहुत ट्राई किए थे कि कैसे युद्ध नहीं हो के सब सिचुएशन ठीक हो जाए, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारा तो एक पार्शियलिटी हुआ था पांडव लोगों को, और उनको कोई भी जो उनके प्रॉपर्टीज मतलब जितना देना चाहिए था उनको नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक्चुअली कृष्ण ने पांडव लोगों को बोले कि आपको अगर 5 छोटा छोटा गांव मिल जाएगा तो आप उसमें रहने के लिए संतुष्ट है क्या? तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि ठीक है हम इसमें मान जाएंगे, लेकिन ये जो प्रपोजल लेके कौन जाएगा दुर्योधन के पास? कृष्ण ने खुद बोले कि मैं जाऊंगा। तो वहाँ पे कृष्ण ने शांति युद्ध बन के एक्चुअली दुर्योधन के पास जाते हैं, और दुर्योधन को जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो दुर्योधन तुम 5 गांव ही दे दो पांडव लोगों को और पांडव लोग उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे, तो युद्ध होने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने साफ साफ बोल दिए कि देखो युद्ध के बिना मैं कोई सुई के अग्रभाग में जितना भी स्थान रहता है उतना ही भाग देने के लिए भी मैं अभी राजी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ युद्ध करने के लिए। और कृष्ण के ऊपर गुस्सा हो के दुर्योधन बोले कि आपको मैं अभी बंदी बना दूंगा, और कृष्ण ने तभी क्या किया कि उनका जो सुदर्शन चक्र मतलब उनको चलाने के लिए जा रहे थे लेकिन संभव रुक गए। तो यहाँ पे देखिए कि जो हम बोलते हैं महाभारत युद्ध, कभी कभी लोग के मन में ये आता है जिज्ञासा कि ये एक्चुअली अधर्म है या बहुत लोग मर गए, इसको करना क्या ज़रूरत था? मतलब कृष्ण ने हर टाइप का प्रयास किए थे कि इसको बिना हिंसा में कैसे इसको समाधान किया जा सकता है, लेकिन दुर्योधन एक्चुअली इसको एग्री नहीं हुए कि बिना युद्ध में एक्चुअली ये चीज़ सॉल्व हो जाए। वो चाह रहे थे कि एक्चुअली युद्ध हो, और वो सोच रहे थे कि अगर युद्ध होगा उनके साइड में जितने भी योद्धा हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं और वो पांडव से जीत जाएंगे, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन भले ही आप देखेंगे जितने भी महाभारत युद्ध से जितना भी युद्ध हुआ था, हर युद्ध में एक्चुअली दुर्योधन ने हार गया था अर्जुन से। आप देखेंगे एक बार युद्ध हुआ किसके साथ, ना द्रोणाचार्य के साथ, द्रोणाचार्य के साथ उधर भी मतलब ये जो दुर्योधन के जितने भी भाई है उधर भी हार गए थे। द्रोणाचार्य जब उनको भेजे थे धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने के लिए उधर भी हार गए थे, और एक बार हार गए थे जैसे वो जो विराट के राजा थे उनके साथ जब युद्ध हुआ था उधर भी हार गए थे अर्जुन से। तो हर बार हारने के बाद भी उनके कॉन्फिडेंस था हम जीत जाएंगे एनी हाउ। तो उसके बाद जब युद्ध फाइनलाइज हो गया कि अभी कोई भी परिस्थिति में युद्ध होगा, तो अभी क्या हुआ कि शकुनि ने दुर्योधन को बोले कि देखो युद्ध तो अभी सुनिश्चित है लेकिन युद्ध में जीतने के लिए कृष्ण का मतलब सहारा बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप कृष्ण के पास जाइए और कुछ मांगिए जो युद्ध में आपको सहायता करेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से एक्चुअली दुर्योधन ने एक बार कृष्ण के पास गए, और इन द मीन टाइम उस टाइम में क्या हुआ, अर्जुन भी उधर जाके पहुँचे कृष्ण के
कृष्ण से कुछ मांगने के लिए, जो युद्ध में उनको भी सहायक होगा। तो उस टाइम में जब दोनों जाके पहुँचे, उस टाइम में क्या हुआ, कृष्ण ने मतलब सोए हुए थे, विश्राम ले रहे थे, तभी क्या हुआ, दुर्योधन पहले जाके पहुँचे और दुर्योधन ने जाके कृष्ण के सर के पास बैठ गए। और उसके बाद जब अर्जुन ने गए, अर्जुन फिर क्या किए, कृष्ण के पैर के पास बैठे। तो कृष्ण का जब मतलब नींद टूट गया, वो तो पहले अर्जुन को देखे और अर्जुन को देखने के बाद उनको बोले कि अर्जुन कैसे हुआ आना इधर, और किस कुछ हेल्प के लिए आए हो, क्या क्या चाहिए आपको। तो उस टाइम में दुर्योधन ने बोला कि मैं पहले आया हूँ, अर्जुन से पहले मैं आया हूँ, तो मुझे एक्चुअली आपको पूछना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। तो बोले ठीक है, आप क्यों आए हैं। और उनको पता चला कि कृष्ण को कि ये दोनों ने आए हैं कि युद्ध अभी अनिवार्य है, युद्ध होगा, तो इन लोगों को मुझसे कुछ हेल्प चाहिए। तो अभी कृष्ण ने दो चीज़ बोले कि देखिए, युद्ध में मैं तो दो चीज़ मेरे पास है जो हेल्प कर सकता है। एक है मेरा नारायणी सेना, ठीक है, एक नारायणी सेना है जो कोई भी साइड ले सकता है, और दूसरा साइड है मैं कोई भी साइड में रह सकता हूँ, लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं पकड़ूंगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, कौन चूज करेगा। लेकिन चूज करने के लिए मैं फास्ट ऑप्शन देता हूँ किसको, अर्जुन को। तो जब अर्जुन को फास्ट ऑप्शन दिए, तभी दुर्योधन ने एक्चुअली ऑब्जेक्शन किए कि किस बेसिस पे आप अर्जुन को फास्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि मैं तो पहले आया हूँ। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने बोले कि देखिए, अर्जुन आपसे छोटा भाई है, तो इस बेसिस पे एक्चुअली अर्जुन को पहले ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो मांगने के लिए कि उन कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। तो जब अर्जुन को पहला ऑप्शन दिए, अर्जुन ने मांगे कि मुझे कोई नारायणी सेना नहीं चाहिए और मुझे आपका मदद चाहिए, यद्यपि आप कोई भी अस्त्र नहीं पकड़ेंगे। तो ये सुनने के बाद एक्चुअली दुर्योधन बहुत खुशी हो गए, बहुत आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली मन के मन सोच रहे थे, अगर कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं पकड़ रहे हैं और इनको लेके क्या फ़ायदा है, ठीक है, इनको लेके क्या फ़ायदा है। और उन्होंने सोचे कि कितना मतलब अर्जुन ने कितना पागल है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को छोड़ के कृष्ण को मांग रहे हैं। तो वो बहुत आनंदित हो गए कि मैं जो सोच रहा था बाई डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ गया। और देखिए, ये जो सिचुएशन है, दुर्योधन जो सोचे थे, एक्चुअली हम लोग अगर रियलाइज करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर ऑडिबल, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इज दिस ऑडिबल नाउ, हरे कृष्णा। हाँ तो फिर इज दिस नॉट ऑडिबल टू एवरीवन, और समवन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, then why repeated message that it is not audible? ठीक है, ओके भावग्राही, तुम्हार बोधे किसी नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छी, से ठीक से शुभुनि बोधे तुमको, ठीक अच्छे, टिके जस्ट नेटवर्क पाखक जाओ, देखियो ठीक से शुभ। तो यहाँ पे देखिए, जो दुर्योधन ने मांगे और हमारे लाइफ के साथ बहुत रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, नारायणी सेना जो है, ये कंपेयर किया जाता है कि ऑल द रिसोर्सेस, ठीक है, ऑल द रिसोर्सेस ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो ऑल द रिसोर्स मतलब यहाँ पे देखिए, नेम, फेम, प्रेस्टीज, मनी, वीमेन, ऑल दिस थिंग एक्चुअली कृष्णा का रिसोर्स है। इसलिए भगवद्गीता के 10.8 श्लोक में कृष्णा ने बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव समन्विता, एवरीथिंग एक्चुअली कम्स फ्रॉम मी, ओके, सब कुछ मेरे से ही आया है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, आई एम प्रभु मीन्स लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, मुझसे सब कुछ आया है। और इतिमत्व भजनते मम बुद्धा भाव समन्विता, ये समझ के जो भजन कर रहा है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो देखिए, सब कुछ एक्चुअली कृष्ण के पास से आया है, मीन्स एवरीथिंग इज रिसोर्स ऑफ कृष्णा। इवन इफ वहाँ पे जो चीज़ है नारायणी सेना, वो भी कृष्ण का एक रिसोर्स है, लेकिन दुर्योधन ने क्या चूज किए कि कृष्ण का रिसोर्स रेदर देन कृष्णा, ठीक है। तो हम लोग भी देखिए, लाइफ में हमेशा हम कृष्ण के जो रिसोर्स है उसको चूज करते हैं,
रदर देन कृष्ण। हम कृष्ण को भक्ति इतना नहीं करते हैं, और भक्ति जितने भी करते हैं हमारा एक इंटेंशन रहता है कि मुझे कैसे अच्छा जॉब मिल जाएगा, मुझे कैसे बहुत धन प्राप्त हो जाएगा, मुझे कैसे अच्छा बीवी मिलेगा, या कोई लड़की सोच रहा है मुझे कैसे अच्छा हस्बैंड मिलेगा, या शादी हो गए तो मुझे कैसे अच्छा बच्चा मिलेगा। लेकिन एवरीथिंग इज एक्चुअली कृष्णज रिसोर्सेस, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं, हमको बस यही चाहिए कि हमारा जो चाहिए, जो वेल्थ, मनी, नेम, फेम, प्रेस्टीज, ये बस चाहिए, इसीलिए हम सकाम एक्चुअली भक्ति करते हैं। हम अगर कोई मंदिर जाते हैं तो हमारा एक हिडन एजेंडा रहता है, बस भगवान मुझे ये 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 फुलफिल कर दो। तो देखिए, ये जो मेंटालिटी है ये दुर्योधन मेंटालिटी है, दिस इज़ नॉट अर्जुन मेंटालिटी। तो एक बार क्या होता है, एक बार एक राजा ने मतलब डिक्लेयर किए कि मेरे राज्य में एक दिन मैं डिक्लेयर करता हूँ कोई भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, कुछ भी मांगते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आ गए मांगने के लिए, क्योंकि देखिए मतलब क्योंकि राजा डिक्लेयर किए हैं, प्रजा को बहुत बेनिफिट होगा। तो सब लोग जो आए राजा को बहुत सारा चीज़ मांगे, कोई मांगा कि मुझे बहुत पैसा दीजिए, कोई मांगा कि आपके दरबार में मुझे थोड़ा नौकरी दे दीजिए, कोई मांगा कि मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है कहाँ पे अरेंज कर दीजिए, और कोई मांगे कि मुझे कुछ मतलब ज़मीन दे दीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगे, और लास्ट में एक वृद्ध व्यक्ति आए और वो मांगे कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ आप मेरा बेटा हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगे, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है, कौन बताए, थोड़ा कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? हाँ, ठीक है। देखिए वहाँ पे जो मांगे कि मेरा बेटा हो जाए, तो अगर राजा ने उनके बेटे हो जाएंगे तो सब कुछ तो उनको मिल जाएगा ना। तो ऐसे ही देखिए हम लोग एक्चुअली हमेशा मांगते रहते हैं, कृष्ण के मंदिर जाते हैं या कहाँ पे जाते हैं, हम मांगते हैं कि मेरा बेटा का हेल्थ ठीक कर दो, या मेरा हस्बैंड का जॉब अच्छे से लगा दो, या मेरा बिजनेस थोड़ा अच्छा हो जाए, या हमारा इधर कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। लेकिन हम कभी एक्चुअली कृष्ण का भक्ति नहीं मांगते हैं, कृष्ण का प्रेम नहीं मांगते हैं, कृष्ण के साथ संबंध नहीं मांगते हैं। तो इस बेसिस पे एक्चुअली देखिए हम जितने भी कुछ मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, दैट इज़ टेम्पोरारी। जैसे दुर्योधन ने ओनली मांगे क्या कि मुझे नारायण सेना चाहिए, तो नारायण सेना मिलने के बाद भी वो जीत नहीं पाए युद्ध। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को मांगे और युद्ध और एट द एंड वो जीत गए। तो ऐसे हमारे लाइफ में अगर हम कृष्ण के रिसोर्सेस मांग रहे हैं तो, और दुर्योधन कभी शांति में नहीं रह रहा था, हमेशा बहुत एंजाइटी में रह रहा था, तो हमारे लाइफ में यही प्रॉब्लम है। हम जो प्रायोरिटी है ना, हम कृष्ण के रिसोर्स को प्रायोरिटी देते हैं रेदर देन कृष्णा। तो आप देखेंगे अगर कृष्ण को ही मतलब हम लाइफ में प्रायोरिटी देंगे तो हमारे लाइफ में कोई एंजाइटी नहीं आएगा। आजकल के हम जो देख रहे हैं ना लाइफ में, एंजाइटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है ना, हम एक्चुअली कृष्ण का प्रेम नहीं करते हैं लेकिन कृष्ण का हम रिसोर्सेस मांगते रहते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एक सेल्फिश मेंटालिटी है, ये दुर्योधन मेंटालिटी है। हम लोग यहाँ पे सब दुर्योधन मेंटालिटी है, इसीलिए हम लाइफ में कभी शांति में नहीं रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द लाइफ वी विल नॉट बी सक्सेस अगर दुर्योधन के मेंटालिटी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, अर्जुन मेंटालिटी चूज करना पड़ेगा, कृष्ण के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो अगर संबंध बनाएंगे तभी लाइफ में शांति में रह सकते हैं, और हम एट द एंड ऑफ द लाइफ वी विल बी सक्सेस। तो श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि आप मुझे बताइए ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म का सबसे सार्थक क्या होता है, सार्थक कैसे मिलेगा मनुष्य जन्म में। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोल रहे हैं, एतवान संख्य युगभ्याम स्वधर्मे परिनिष्ठाय जन्म लभ्वा परम पुंस अंते नारायण स्मृति। वो बोल रहे हैं कि एतवान संख्य युगभ्याम, जितना भी संख्या योग है, संख्या योग हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन द मैटर एंड स्पिरिट, तो आत्मा और शरीर के जो डिफरेंस है, ये जो ज्ञान लेना और
स्वधर्म में परिनिष्ठा है, खुद का जो धर्म है उसको पालन करना, ये सब कुछ करने के बाद एक्चुअली जन्म लब्ध्वा परम पुंसः, जो इधर जन्म लिया है परम पुंसः, वही है जो अंते नारायण स्मृति, जो लास्ट में एक्चुअली नारायण का चिंतन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ द डेथ। तो जो व्यक्ति एट द टाइम ऑफ द डेथ ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, ही इज थिंकिंग अबाउट द नारायण, देन हीज लाइफ इज सक्सेस। नॉट दैट आप देखेंगे बहुत टाइम में ये होता है, व्यक्ति मृत्यु होने के बाद उनके बीवी के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बेटी के बारे में सोचते रहते हैं, कोई व्यक्ति उनके संपत्ति के बारे में सोचते रहते हैं। तो दिस इज नॉट द सक्सेस ऑफ लाइफ। तो सक्सेस उधर है अगर हम कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, अगर नारायण के बारे में सोच रहे हैं, अगर जगन्नाथ के बारे में सोच रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है न, कृष्ण ने कह रहे हैं 15.7 नंबर श्लोक, आई थिंक 15.15 या 15.7, माम अंश जीवलोक जीवभूत्वा सनातन मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। वो बोल रहे हैं माम अंश, ये जो जीव जगत देख रहे ये मेरा ही अंश है, मतलब हम सब कृष्ण के ही हैं, कृष्ण हमारा ही है। तो अर्जुन को जब ये बात बता रहे हैं कि देखिए अर्जुन एक्चुअली तुम मेरे ही अंश हो, जितना भी जीव जगत है ये मेरा ही अंश है, तो अर्जुन ने पूछ रहे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरा ही अंश है या किसका अंश है इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। तो कृष्ण ने बोल रहे हैं कि मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, ये जो चीज़ उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम सब कृष्ण के अंश है, तो ये रियलाइज नहीं होने से उन लोग क्या करता है, मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, मन और उसके साथ और जो पांच इंद्रियों को लेके ये जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा एक स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे माइंड और पांच इंद्रियों को लेके। हरे कृष्णा जो अनम्यूट है और बात कर रहे हैं उनको, तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रगल चल रहा है। आप हमेशा आपके मन में पूछिए, सब कुछ तो है लाइफ में लेकिन क्यों शांति नहीं है, क्यों टेंशन में है, क्यों स्ट्रेस है, क्यों एंजाइटी है, यही है। हम लोग जिसका अंश है, कृष्ण का अंश है, हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, कृष्ण हमारा ही है, लेकिन हम कृष्ण के बारे में नहीं सोच के उनके जो रिसोर्सेस है, जितना भी धन दौलत पोजीशन रेस्पेक्ट, इसके पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए हमारा लाइफ में टेंशन है। अगर कृष्ण को प्रायोरिटी देते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, टेंशन एंजाइटी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर ऐसा है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, युद्ध अभी स्टार्ट होगा। अभी भगवद गीता का पहला श्लोक हम स्टार्ट करेंगे और सब अनम्यूट करिए, मेरे साथ दोहराइए ये श्लोक, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक है। अगर किसी को पता है भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक, कोई रिसाइट कर सकते हैं क्या, कोई है हमारे ग्रुप में जो उनको जानते हैं कि भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक क्या है, किसी को पता है, अगर किसी को पता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक अगर आपको पता है। तो एक्चुअली आप देखिए B9C ये सब नेमिंग एक्चुअली एक अच्छा नेमिंग नहीं दे रहा है, आप नाम लिखिए ना आपका, B9CA FC8F, ये कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या नामिंग है। हाँ बोलिए, बस दो ही लोगों को पता है कि भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक क्या है, अच्छा थर्ड और कोई है, बोलिए। हरे कृष्णा, B9CA FC8C, आप थोड़ा नाम चेंज कर दिए थे ना, आपका नाम क्या है, हरे कृष्णा, अच्छा कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं आप, ओनली हैंड रेज किए हैं, ठीक है। सुधीर प्रभु हाँ हैंड रेज किए हैं इधर, अच्छा नहीं, थोड़ा देखते हैं नया लोगों को ट्राई करने के लिए देते हैं। जानकी देहुरी माता जी बोलिए भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक, हरे कृष्णा, आपका वीडियो ऑन करिए और बोलिए। हाँ बोलिए,
अच्छा आप पढ़ के बोल रहे हैं क्या माता जी? अच्छा ठीक, ओके। संजय साहू आप थोड़ा बोलिए। आप वीडियो वीडियो ऑन करिए ना, वीडियो ऑन करिए। हाँ बोलिए। हाँ हकीम अकुर्वत संजय, ठीक है। हाँ अच्छा, ये B9CA आप बोलिए क्या नाम है आपका, तो पता नहीं चल रहा है। आप बोलिए, आपका वीडियो ऑन करिए और बोलिए। B9CA FC8F, वीडियो ऑन करिए और बोलिए। क्या हो गया? हरे कृष्णा प्रभु, आपको सुनाई दे रहा है। B9CA FC8F कौन है ये? कुछ सुन रहे नहीं कुछ। अच्छा माता जी, आप नेमिंग को ठीक कर दीजिए ना। B9CA FC ये लिखेंगे तो क्या पता चलेगा। ठीक है, आप बोलिए अभी। हाँ हरे कृष्णा, ओके लीव इट, ओके। भावग्राही कहला, हाँ ओके फाइन। श्रुति 33, माता जी आप बोलिए, आपका वीडियो ऑन करिए। हरे कृष्णा, अच्छा इसका मीनिंग पता है आपको, क्या मीनिंग है इसका? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रियान भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो ऑन करिए। श्रियान भी आप वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट करिए। नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, अभी माता जी बोलिए आप। नहीं श्लोका बोलिए, श्लोका के बाद अगर मीनिंग्स बोल सकते तो अच्छा है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक, और ठीक है। रश्मि रंजन नायक प्रभु जी, आप भी अनम्यूट करिए और बोलिए, वीडियो ऑन करिए और बोल सकते। रश्मि रंजन नायक प्रभु, ठीक है अभी। ठीक है, जो पुराने मेंबर जो है उनको तो आता होगा। संगीता साहू इज नॉट एबल टू हियर। अच्छा तो हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी पढ़न, नहीं, पढ़न तो नहीं, पढ़न तो नहीं। हाँ ठीक है, ओके। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी को रिमेम्बर है ये श्लोक, याद है, पढ़ तो सब सकते हैं लेकिन किसको याद है। ठीक, ओके फाइन फाइन। तो अभी मैं श्लोक को अभी दोहरा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ दोहराइए। ये श्लोक सबको याद रहना चाहिए, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक। और ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ना धृतराष्ट्र ने, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच, तो बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
क्षमा बेता युश्च ब सब एक क्या क्या सीक्वेंस में जा रहे। नहीं 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 सब म्यूट करिए, म्यूट करके आप बोलिए, ऐसे ये होगा तो कोई नहीं बोल सकता। ठीक से आप सब म्यूट करिए, आप घर में रह के ही आप मेरे साथ दोहराइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षमा बेता युश्च वा मामका पांडवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। ओके ठीक है, ये भगवद गीता का पहला नंबर श्लोक है, आपको बहुत अगर याद कर सकते हैं ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये श्लोक का थोड़ा अभी मीनिंग में जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्या है ना, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोल रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए धृतराष्ट्र का जो शब्द का अर्थ है इसके ऊपर जाएंगे, धृत प्लस राष्ट्र। तो धृत मतलब समवन इज वेरी अटैच्ड, ठीक है, और राष्ट्र जो राष्ट्र के ऊपर बहुत आसक्त है, ठीक है, जिसका मतलब जो राष्ट्र का जो किंगडम के ऊपर जिसका बहुत अटैचमेंट है उसका नाम का अर्थात ये मीनिंग दे रहा है, समवन इज वेरी अटैच्ड टू दैट किंगडम। ठीक है, इसका मीनिंग है धृतराष्ट्र। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने बोल रहे हैं माम का पांडवश्चैव, सॉरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो पहला वर्ड बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र, मतलब जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। ये धृतराष्ट्र को पता था कि ये जो युद्ध होने वाला जा रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं, बहुत सारा एनालिसिस है इसके ऊपर, किस बेसिस पे एक्चुअली कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोली बोला जा रहा है। तो एक बार देखिए जो कुरुक्षेत्र जिसके नामकरण हुआ है, ये नामकरण इस बेसिस पे हुआ है, एक्चुअली पांडव लोगों का उनके जो जो पूर्वज थे उनके एक राजा थे कुरु, उनका नाम था कुरु। तो कुरु ने एक्चुअली उनके जब राजा थे उस टाइम एक्चुअली वो एक यज्ञ आयोजन किए थे वो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किए थे कि मैं ये जो प्लेस है तो वो यज्ञ कर रहे थे, और जब यज्ञ कर रहे थे तभी क्या हुआ कि भगवान मतलब विष्णु ने एक ब्राह्मण वेश धारण करके उधर आके पहुँचे और कुरु को पूछे कि कुरु आप क्या कर रहे हैं। वो बोले कि मैं एक्चुअली यज्ञ इधर कर रहा हूँ, और तो ब्राह्मण जो भगवान खुद ब्राह्मण वेश में धारण करके आए थे उनको पूछे कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो वो बोले कि एक्चुअली देखिए इधर तो बहुत युद्ध होने वाला है, हम क्षत्रिय हैं, तो ये फील्ड में जिसका मृत्यु होगा वो भगवान के धाम चले जाएंगे, ये मेरा इच्छा है। तो बोले अगर ये आपको इच्छा है तो यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ तो सफल होने के लिए दान देना पड़ता है, तो आपको दान देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मैं दान देने के लिए तैयार हूँ, आप कुछ भी मांगिए। वो बोले कि मैं मांगता हूँ आपका एक हाथ मुझे दान में दीजिए। तो कुरु ने अभी क्या किया, एक हाथ उनको काट के दे दिए। अभी ब्राह्मण बोले मुझे और एक हाथ चाहिए, और एक हाथ अभी कुरु ने काट के दे दिए। फिर उसके बाद एक पैर मांगे, पैर भी दे दिए, दूसरा पैर मांगे, दूसरा पैर दे दिए, तीसरा फिर मांगे कि अभी मैं कुरु मैं आपका सर चाहता हूँ, सर काट के अगर दे सकते तो मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तभी क्या किए ने कुरु ने सर काटने के लिए जा रहे थे, तभी ब्राह्मण ने बोले कि हो गया हो गया, मैं अभी जो परीक्षा लेना था परीक्षा ले लिया, आप अभी क्वालिफाई हो गए और आप जो बोल रहे हैं ये सत्यता में परिणत हो जाएगा, इधर किसी का अगर मृत्यु होगा वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो उसके बेसिस पे एक्चुअली उनका जो जो क्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र के नामकरण हुआ और कुरुक्षेत्र का नाम हो गया धर्म क्षेत्र। और दूसरा चीज़ है जो परशुराम थे, परशुराम 21 बार बहुत सारे क्षत्रिय राजा को मतलब भारतवर्ष के जितने भी राजा थे भारतवर्ष को 21 बार मतलब जय करने के बाद जो आके तपस्या किए थे वही कुरुक्षेत्र में तपस्या किए थे। तो उनके बेसिस पे भी ये बोला जाता है ये एक धर्म क्षेत्र। और तीसरा चीज़ है एक्चुअली कृष्ण ने हु इज़ द सुप्रीम लॉर्ड ही वॉज प्रेजेंट देयर। तो ये सब बेसिस पे एक्चुअली कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। ठीक है, और ये बात किसको पता था ना, धृतराष्ट्र को पता था कि ये क्षेत्र
धर्म क्षेत्र है, लेकिन धर्म क्षेत्र में एक्चुअली ये जो धृतराष्ट्र के सवाल था, भगवद गीता का जो पहला नंबर श्लोक है, ये सवाल था कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र जो एकत्रित हुए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए, जो एकत्रित हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का है। वो बोल रहे हैं धर्म, ये दोनों एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए, और क्या कर रहे हैं, मतलब युद्ध करने के लिए अगर कोई एकत्रित हुआ तो युद्ध करेंगे ना, फिर इतना एम्सियस मेंटेलिटी क्यों है कि क्या कर रहे हैं, इतना सवाल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो बहुत एम्सियस थे एक्चुअली सुनने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। व्यक्ति तभी देखिए एनसीएस होता है जब उनका धर्म ठीक से पालन नहीं करता है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो थोड़ा एक्सप्लेन देके करते हैं तो, और दूसरा एक चीज बोल रहे हैं माम का पांडवश्चैव, मतलब यहाँ पे क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए मेरा और पांडव लोग क्या कर रहे हैं। यद्यपि पांडव लोग भी वही मतलब जो कुरु के डायनेस्टी में थे उनके ही अंदर थे, तो मेरा और पांडव ये बोलना मतलब वो दूसरे मतलब उनको थोड़ा डिफरेंट देख रहे हैं, उनके फैमिली के मेंबर हैं इस हिसाब से नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे वेद के हिसाब से जो राजा है उनके राज्य में जितना भी प्रजा है उनको पुत्र के समान देखना चाहिए, लेकिन यद्यपि सब जितना भी प्रजा है उनको पुत्र हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए उनके भाई के जो पुत्र है उनको भी वो खुद के फैमिली के मेंबर हिसाब से नहीं देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरा और पांडव लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए संसार में जितना भी पाप कर्म होता है ना, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, अवश्य कहा को कौन प्रॉब्लम हो जी सेटा माने अन्य मानको तो सब ठीक अछि, तेनो मे भी इंटरनेट इश्यू हो पारे। हाँ, तापर वर्षा भी रैपिडली चलचे ना, से इंटरनेट इश्यू भी थाई पारे बुझे। तेणु देखंतु अभी देखिए कि कृष्ण ये जब बोल रहे हैं कि मेरा और डिफरेंट, तो यहाँ पे देखिए संसार में जितना भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ये माइंडसेट के लिए कि हम लोग एक्चुअली मेरा एक सेल्फिश मेंटालिटी लेके यहाँ पे जी रहे हैं। हम देखिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उनके फैमिली के करप्शन इसीलिए करता है कि कैसे उनके फैमिली के लोग बहुत अच्छे से जिएंगे, लेकिन पूरा अगर मतलब देश भी डूब गया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये जो डिफरेंट मेंटालिटी है, मेरा फैमिली इज़ माइन एंड कि दूसरा जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए तो करप्शन करता है। कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है, कोई हमारे घर में भी बहन है माता जी है, लेकिन जब बाहर जाता है कोई लड़की देखता है उनको छेड़ता है, क्यों, क्योंकि सोचता है ये डिफरेंट है, ये मेरा नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे जितना भी करप्शन होता है, जितना भी किलिंग होता है, जितना भी मतलब वीमेन अब्यूज होता है इस बेसिस पे, लेकिन भगवान ने एक्चुअली कृष्ण ने कह रहे हैं कि अहम बीजप्रद पिता, एक्चुअली जितने भी जीव जगत है एक्चुअली मैं ही बीजप्रद पिता हूँ। तो इस बेसिस पे एक्चुअली आप देखेंगे सब एक्चुअली ये जो संसार एक फैमिली टाइप का है, सब हमारा रिलेटेड है। ये जो रियलाइजेशन नहीं है, ये भगवद गीता का हम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए हम सबको डिफरेंट मतलब दूसरे के हिसाब से हम देख रहे हैं, और इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि मेरा जो सेल्फिश मेंटालिटी है इसको मैं कैसे एंजॉय कर लूँ। तो यही मेंटालिटी के कारण देखिए संसार में सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि मैं कैसे एंजॉय कर लूँ, मैं कैसे एक्सप्लोइट कर लूँ दूसरों को, मैं कैसे करप्शन कर लूँ, मैं कोई लड़का दूसरे लड़की को छेड़ देता है, या कोई लड़की दूसरे कोई लड़का को देख के कोई मतलब उनका जो हिडन एजेंडा है उनको फुलफिल करने के लिए चाहते हैं, यही मेंटालिटी है। हम दूसरे को एक्चुअली अपनापन नहीं समझ रहे, लेकिन अगर एक भगवद गीता देखेंगे, भगवद गीता ने कृष्ण ने क्लियर कट बोल रहे हैं अहम बीजप्रद पिता, तो आई एम द सीड गिविंग फादर। तो उसके हिसाब से हम लोग तो सब इधर एक फैमिली है, दूसरा इधर फैमिली नहीं है, सब फैमिली है, लेकिन ये भगवद गीता के जो ज्ञान नहीं है इसीलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर भगवद गीता का ज्ञान हमको मिलेगा, धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा, तो ये हमको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या हुआ कि
हाँ यहाँ पे तो इस बेसिस पे एक्चुअली धृतराष्ट्र ने ये श्लोक बोल रहे हैं, और दूसरा एक चीज़ बोल रहे हैं कि एनसीएस मेंटेलिटी उधर था, एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जानने के लिए, क्योंकि उनको पता था वो धर्म क्या है जानते, लेकिन धर्म पालन नहीं किए थे इस बेसिस पे। दूसरा एक देखिए, अभी जो टाइम है कोरोना के टाइम में सब भयभीत है, क्यों भयभीत है, सबको तो पता है ना एक्चुअली मृत्यु तो सुनिश्चित है, सबको मृत्यु एक दिन तो होगा, लेकिन फिर भी क्यों, अगर कोरोना आ गया हम क्यों डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, हम मनुष्य शरीर में जो कर्म करना चाहिए उसको ठीक हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए भय है कि एक तो ज्ञान नहीं है कि मनुष्य शरीर में क्या करना चाहिए और मनुष्य शरीर में मृत्यु होने के बाद क्या होता है, एक तो ज्ञान नहीं है, और दूसरा चीज़ है जिस हिसाब से करना चाहिए वो नहीं कर रहे, इसीलिए हमको हमेशा भय रहता है कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। इवन अब आप देखेंगे अगर कोरोना के टाइम में आप सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं हमेशा, ठीक ठीक सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को पूछिए आप भयभीत है कि नहीं, क्यों भयभीत है, सब तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं बाहर नहीं जा रहे, फिर क्यों भयभीत है, क्योंकि आप ये जो मनुष्य के शरीर मिला है इसका जो उपयोग करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमेशा डर रहता है अंदर में। ठीक है, तो यही है, अगर हम ठीक से मतलब जो पर्पज के लिए मिला है हम करेंगे तो भय नहीं रहेगा, ज़्यादा हमको ज्ञान मिल जाएगा, हम ज़्यादा भय नहीं रहेगा। तो ये हम धीरे धीरे भगवद गीता के यहाँ पे जो आप इंटरेस्टेड होके आए हैं तो ये धीरे धीरे हमको पता चलेगा एक्चुअली ह्यूमन लाइफ में क्या करना चाहिए। तो अभी तो टाइम हो गया, मुझे बहुत कुछ कवर करना था, अभी फिर अभी ठीक है, अभी थोड़ा 5 मिनट लेके मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो इसके ये हो गया फर्स्ट श्लोक, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद दुर्योधन ने एक्चुअली आ रहे हैं द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य के पास आके बोल रहे हैं कि देखिए, कोई हैंड रेज किए हैं, ठीक है, तो हम लास्ट में सवाल लेंगे जो भी सवाल है, या आप चार्ट में लिख सकते हैं क्या हुआ क्या आपका कंसर्न है। तो एक्चुअली दुर्योधन ने जाके द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि देखिए देखिए, ये थर्ड नंबर श्लोक आई थिंक, तो बोल रहे हैं कि देखिए आपका जो शिष्य है वो कौन है ना, धृष्टद्युम्न जो है, तो धृष्टद्युम्न ने जो पांडव साइड के उनके सेनाध्यक्ष थे उनको बोल रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर सेना वो सजाए हैं। तो ये इसीलिए जाके द्रोणाचार्य को ये जो दुर्योधन इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको उकसाने के लिए कि देखिए देखिए आप लाइफ में बहुत सारा गलती किए हैं, लेकिन इस पर एटलीस्ट आप गलती नहीं करना, क्योंकि धृष्टद्युम्न जो है ये द्रौपदी के जो पुत्र थे, और धृष्टद्युम्न वो डायरेक्ट जाके एक्चुअली धृष्टद्युम्न नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो ये जो मतलब इनके पुत्र, वो जो द्रौपदी के पुत्र जो है वो कितना अच्छे से सेना को सजा है आप थोड़ा देखिए। तो यहाँ पे एक्चुअली एक थोड़ा मतलब इंसिडेंट हुआ था जिसको लेके एक्चुअली इग्नाइट कर रहे थे ये दुर्योधन। ये क्या हुआ था एक्चुअली देखिए, द्रोणाचार्य और द्रौपद एक्चुअली ये फ्रेंड थे, इन लोग एक्चुअली ऋषि भरद्वाज आश्रम में रह के विद्या शिक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो जब आश्रम में रह के गुरुकुल में रह के पढ़ाई कर रहे थे तभी द्रौपद और द्रोणाचार्य ये दोनों दोस्त थे, फ्रेंड थे। तो जब ये पढ़ाई कर रहे थे द्रौपद ने द्रोणाचार्य को बोले थे कि देखिए मैं तो राजा का पुत्र हूँ और यहाँ पे विद्या शिक्षा करने के बाद मैं फिर राजा बन जाऊँगा, तो आप एक ब्राह्मण हैं तो आपके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, तो आप एक काम करिए मैं जब राजा बन जाऊँगा तो आप मेरे पास आइए, तो मैं मेरा जो राज्य का आधा संपत्ति मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद उनका जब विद्या अर्जन करना खत्म हो गया और फिर आए द्रौपदी ने राजा बन गए, और द्रोणाचार्य ने एक्चुअली कृपाचार्य की जो बहन है कृपी को शादी किए थे और उनसे फिर एक बेटा हुआ वो हुआ अश्वत्थामा। लेकिन जो द्रोणाचार्य है वो तो एक तो ब्राह्मण थे और इतना गरीब थे, और जब द्रोणाचार्य ने ये जो अश्वत्थामा जन्म लेने के बाद एक्चुअली उनको क्या हुआ कि अश्वत्थामा को खाने के लिए देने के लिए ये सब अरेंजमेंट के लिए एक्चुअली द्रोणाचार्य को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था।
तो द्रोणाचार्य ने सोचे कि ऐसे क्यों ना हो कि मेरा जो दोस्त ने मुझे प्रॉमिस किए थे कि द्रौपदी मुझे आधा संपत्ति दे देंगे, तो एटलीस्ट मैं जाता हूँ मांगने के लिए कि मुझे एक गाय दे दीजिए, तो गाय का जो दूध उत्पन्न होगा मैं एटलीस्ट ये दूध मेरा जो बेटा है उनको दे सकूँ। तो उस हिसाब से एक्चुअली वो जाके द्रौपदी को जाके पहुँचे और उनको बोले कि आपको याद है हम लोग जो दोनों एक साथ में पढ़ाई कर रहे थे, आप मुझे एक प्रॉमिस किए थे कि आपका आधा संपत्ति मुझे दे देंगे तो आप दे सकते हैं। तो उस टाइम में द्रौपदी ने उनको बहुत खराब गाली गुलज दिए। वो बोले कि आपका औकात क्या है इधर आके मुझे मांगने के लिए, आप एक मतलब दरिद्र ब्राह्मण हो और मैं एक राजा हूँ, आपको साहस कैसे हुआ ऐसे आके बोलने के लिए। तो देखिए यहाँ पे तो द्रौपदी ने बहुत भारी गलती की है। तो और ये जो चीज़ है द्रोणाचार्य को बहुत कष्ट लगा। तो कष्ट लगने के बाद वो चले गए। चले जाने के बाद उनको फिर ये जो जो पांडव के जो पांच भाई है और ये जो कौरव के जो 100 भाई है सबको पढ़ाने के लिए सुयोग मिला। तो जब पढ़ाना ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक्चुअली गुरु दक्षिणा के हिसाब से वो कौरव लोगों को मतलब ये जो दुर्योधन उनके जो भाई लोगों को बोले कि आप जाइए ये मेरा गुरु दक्षिणा है, आप जाके द्रौपदी को हरा के उसको लेके आइए। तो ये फिर क्या हुआ कि ये जो दुर्योधन लोग गए लेकिन द्रौपदी से हार गए, उनको लेके नहीं आ पाए। तो उसके बाद फिर किसको भेजे ना पांडव लोगों को भेजे कि आप जाके द्रौपदी को बांध के लेके आइए। तो पांडव लोग जब गए द्रौपदी को हरा दिए और उनको बांध के ले आए। तो बांध के लेके आने के बाद तो ये भारी इंसल्ट हो गया अभी किसको ना द्रौपदी को, ठीक है, कि द्रौपदी तो एक तो है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को एक्चुअली इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होता है। तो द्रौपदी ने जाने के बाद फिर जब छोड़ दिए उनको इंसल्ट करके छोड़ दिए, तो द्रौपदी ने एक यज्ञ आयोजन किए। उनका यज्ञ का नाम था पुत्र पुत्रमेष्टि यज्ञ, जिसमें एक पुत्र चाहिए था, उनको एक पुत्र चाहिए था। उनका नाम हुआ कि धृष्टद्युम्न, और पुत्र का यही रीजन था आने के लिए कि वो पुत्र द्रोणाचार्य को मारने के लिए सहायक होगा, ठीक है। और दूसरा है कि उनको एक बेटी चाहिए, जो बेटी शादी करेगा किसको ना अर्जुन को। उनको पता था ओनली अगर मुझे युद्ध में कोई हरा सकता है वो है अर्जुन। तो अगर अर्जुन को शादी करने के लिए कोई बेटी मुझे मिल जाए तो ये मेरा दोनों ही हाथ में हो जाएंगे और मैं आराम से द्रोणाचार्य को परास्त कर सकता हूँ। तो इस बेसिस पे और देखिए अभी धृष्टद्युम्न जन्म हुए, उनका यही रीजन था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो विद्या शिक्षा किए वो कहाँ से किए पता है आपको? ये शिक्षा किए जाके द्रोणाचार्य के पास। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी ऑफ आवर वैदिक सिस्टम। तो द्रोणाचार्य को क्लियरली पता था कि धृष्टद्युम्न एक्चुअली जन्म हुआ है मुझे मृत्यु मुझे मारने के लिए, लेकिन फिर भी उनको विद्या शिक्षा दिए। तो यहाँ पे देखिए वो व्यक्ति एक्चुअली बॉडीली कॉन्सेप्शन में नहीं थे, बॉडीली कॉन्सेप्शन से ऊपर थे। उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था क्योंकि उनको पता था एक्चुअली वी आर नॉट द बॉडी, वी आर समथिंग एल्स, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन कि हम कौन है। तो उनको ये पता था। तो इस हिसाब से एक्चुअली देखिए धृष्टद्युम्न ने ही विद्या शिक्षा लिए कहाँ से? द्रोणाचार्य। तो और इसको जाके एक्चुअली दुर्योधन ने बोल रहे थे कि देखिए देखिए आप तो बहुत भारी गलती किए हैं कि ये जो धृष्टद्युम्न को विद्या दे के, क्योंकि वही आपको पता है मारने का कारण होगा, लेकिन अभी एटलीस्ट युद्ध में आप ऐसा मत करिए। क्योंकि उनको पता था कि द्रोणाचार्य का एक वीकनेस है अर्जुन के प्रति, तो इसलिए उकसा रहे थे कि एटलीस्ट अभी जो युद्ध है आप थोड़ा मतलब ठीक ठाक करिए जैसे हम लोग जीत जाएं, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तो इस हिसाब से एक्चुअली जाके बोल रहे थे। अभी कोई हैंड रेज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वाई यू आर रेजिंग हैंड? श्रीयान भी माता जी आप हैंड रेज किए हैं, रश्मि रंजन नायक प्रभु जी आप हैंड रेज किए हैं, बोलिए कि क्यों हैंड, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप ओके ओके फाइन फाइन। और थोड़ा 5 मिनट में ख़त्म कर दूं, थोड़ा जितना कवर करना था अभी तक नहीं हो पा रहा है तो मैं 5 मिनट में कवर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो ये था
तो अभी फिर क्या हुआ, अर्जुन ने एक्चुअली अभी कृष्ण को पूछ रहे हैं कि मुझे थोड़ा मेरा जो रथ है आप थोड़ा मतलब अभी देखिए, सारथी अभी कौन है, ये जो अर्जुन के सारथी अभी कौन है ना, कृष्ण। यहाँ पे देखिए कृष्ण ने एक्चुअली सुप्रीम लॉर्ड है, और यहाँ पे क्या किए हैं ना, अर्जुन का सारथी बन के आ रहे हैं। आप कभी मेटेरियल वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं देख पाएंगे कि आपका जो ऑफिस का जो बॉस है आपको कभी मतलब आपका कार का ड्राइवर बनेंगे, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कंसेप्ट हमेशा होता है कि सेवा करना, सेवा लेना नहीं। यहाँ पे मेटेरियल वर्ल्ड का हमेशा एक मेंटेलिटी रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम एंजॉय कर सकते हैं, लॉर्ड ओवर मतलब हम थोड़ा मास्टर बनेंगे इधर। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कंसेप्ट है हम कैसे सर्वेंट बनेंगे दूसरे का सेवा करेंगे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि सब जितना भी जीव है कृष्ण को सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और कृष्ण भी चाहते हैं मैं कैसे मेरा जो भक्त लोगों का सेवा करूँ। तो इस हिसाब से देखिए, यद्यपि कृष्ण ने भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है, लेकिन फिर भी अभी अर्जुन का सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे देखिए, और अर्जुन ने एक्चुअली कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरा जो रथ है थोड़ा अंदर लेके जाइए, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ एक्चुअली कौन कौन है युद्ध करने के लिए आए हैं। तो जब ये कृष्ण ने यहाँ पे एक ट्रिक्स खेले, तो कृष्ण ने जब रथ को लेके गए, कृष्ण ने रथ को लेके द्रोणाचार्य और जहाँ पे भीष्म पितामह थे वहाँ पे ही रुका दिए रथ को, और अर्जुन को बोले देखिए कि कौरव के साइड में कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। तो अभी जब अर्जुन ने देखे कि उनके गुरु हैं और उनके पितामह हैं, ये देखने के बाद उनको एकदम कम्प्लीटली वो नर्वस हो गए कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मेरा गुरु है और पितामह है जी जो मेरे बहुत प्यारे हैं, उनको कैसे मैं मार सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक्स कैसे अर्जुन ने खेले कि देखिए कृष्ण को पता था कि अर्जुन का वीकनेस है उनका गुरु और पितामह से, ये जो वीकनेस है ये वीकनेस हटाना पड़ेगा, ये अगर वीकनेस रह गया तो अर्जुन कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये जो वीकनेस है, ये वीकनेस आप देखिए ये बॉडीली वीकनेस है एक्चुअली। अर्जुन को लग रहा है कि जो मतलब गुरु है और पितामह ये एक शरीर है, तो शरीर को मारना सही नहीं, इस बेसिस पे एक्चुअली वीकनेस है। तो उसके बाद अर्जुन ने फिर बोलेंगे कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ को हमारे लाइफ में देखिए कितना रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे जो अर्जुन के सारथी बने हैं कृष्ण, तो ये जो सारथी ये जो रथ हमारे शरीर के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो हमारा शरीर में एक्चुअली सारथी के हिसाब से कृष्ण परमात्मा के हिसाब से इधर है, तो परमात्मा के हिसाब से जो इधर हैं हमारे लाइफ में जो भी वीकनेस है, तो कृष्ण ने आप देखेंगे अगर कोई वीकनेस है कोई व्यक्ति का, तो कृष्ण ने जो परमात्मा के हिसाब से हमारे हृदय में है जिस व्यक्ति का जिस टाइप का वीकनेस है वही टाइप का प्रॉब्लम आपको आएगा। किसी को अगर स्वीट खाने का बहुत इंटरेस्ट है तो उसको ही डायबिटीज होता है, किसी को अगर पैसे का बहुत लालच है वही व्यक्ति का एक्चुअली बिजनेस में लॉस हो जाता है, कोई व्यक्ति का अगर फैमिली के बहुत अटैचमेंट होता है तो फैमिली मेंबर उनको फिर परेशान करते रहते हैं, कोई व्यक्ति अगर फिर मतलब अगर उनको पोजीशन का बहुत अटैचमेंट है तो फिर पोजीशन से वो हट जाते हैं। तो ये सब चीज़ एक्चुअली परमात्मा को पता है एक्चुअली व्यक्ति का किस चीज़ पे बहुत वीकनेस है, और वो जो वीकनेस है एक्चुअली भक्ति में आगे जाने के लिए एक्चुअली प्रतिबंधक बन रहा है। तो इसलिए जानबूझ के एक्चुअली कृष्ण ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप देखिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लाइफ में प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है कोई अगर एन्जॉय मेंटेलिटी में है वो भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए भगवद्गीता के सेकेंड चैप्टर में 44 श्लोक आई थिंक कृष्ण ने बोल रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेषाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। वो बोल रहे हैं कोई व्यक्ति अगर भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हुआ है तो वो व्यक्ति फिक्स्ड मेंटेलिटी उनका नहीं आता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बहुत लोग तो भक्ति करने के लिए आते हैं लेकिन क्यों बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अभी एन्जॉयमेंट मेंटेलिटी में है, उनका लाइफ एकदम स्मूथ गोइंग चल रहा है, लाइफ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए कृष्ण ने जानबूझ के जो एक्चुअली हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दैट इज़ मतलब
जो चीज़ में हमारा ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा ग्रीड है वो चीज़ को लेके, जो हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस बेसिस पे वो ही चीज़ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे हमको रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअली हम जो सोच रहे हैं दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, वो सही नहीं है। और धीरे धीरे एक टाइम तो होगा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम भक्ति में बहुत तेज़ी से गति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये परमात्मा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर क्या हुआ, अर्जुन का भी सिचुएशन ऐसे हो गया। और नेक्स्ट सेशन में अभी हम उसको चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने क्या क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि युद्ध करना सही नहीं रहेगा इस बेसिस पे। तो अभी हम क्लास को इधर एंड कर रहे हैं। किसी का अगर कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।